एक बहू का संदेश आया कि महाराज आपने कल बहुत कुछ बोला, थोड़ी हमारी भी विनती सुन लो। आपने बोला कि लड़ाई झगड़े की जड़ कोई है तो बहू है, थोड़ा बहुओं की पुकार भी सुनो। इनका बात तो सही है। मैंने कहा समस्या क्या है? बोली समस्या एक ही है। बोली समस्या एक ही है, कि हमारी जो सासू है ना, वो मेरे बारे में अलग सोच रखती है, बहू के बारे में अलग सोच रखती है और बेटी के बारे में अलग सोच रखती है। समस्या यहां खड़ी हो जाया करती है। वह बहू के लिए कुछ और विचारधारा में जीती है और बेटी के लिए किसी और विचारधारा में जिया करती है। समझो थोड़ा सा, अम्माओ सुधर जाओ, गंगा नहाओ, ज्ञान की गंगा बह रही है। मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, मैं समयसार पे बोल सकता हूं, मैं गीता पे बोल सकता हूं, मैं महापुराण पे बोल सकता हूं, मैं कुरान पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगती है सबसे बड़ी मजबूरी कि आगम की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आदमी के जीवन में नैतिकता और व्यवहारिकता आना चाहिए। आदमी नैतिक और व्यवहारिक नहीं हुआ, आदमी ने यदि अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो बड़े बड़े ग्रंथों से कोई क्रांति खड़ी होने वाली नहीं। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। एक बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। दस दस मिनट काहे को जाते हो भाई, जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो एक घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, और जोर लगा दो डेढ़ घंटा, दो घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो एक घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में एक घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो, उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो? एक घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो? एक घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो, मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है। ध्यान रखिए, एक घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो एक घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी के साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो एक घंटे जो यहाँ ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, भाई मैं तुम्हें केवल थ्योरी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि तो लेना आसान है, एक सच्चे और अच्छे इंसान की उपाधि लेना बहुत कठिन काम हुआ करता है। एक घंटे की इस पाठशाला को घर में जाके 23 घंटे जीने का प्रयास करो। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है, मैं नहीं चाहता हूं, न मेरा उद्देश्य है कि आप जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्मांतरण हो, मैं नहीं चाहता हूं आप अपनी आस्थाएं छोड़ दें। जो जिस आस्था में जीता है जिए, जिस परमात्मा को मानता है माने। मैं पुलक सागर यदि महावीर की वाणी लेकर के आया हूं, भगवान महावीर के सिद्धांत लेकर के आया हूं, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं,
सिद्धांत भगवान महावीर के हैं और भाषा केवल मेरी है, और दृष्टांत महावीर के हैं, दृष्ट मेरा हुआ करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, महावीर की ही बातें हैं ये, आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं। लोगों ने होर्डिंग्स में लिखा है, सूरत वालों मुझे आपसे कुछ कहना है। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए, बोले बोलो क्या कहना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो बोले लिखा काहे को है कि सूरत वालों मुझे आपसे कुछ कहना है, तो कह दो मुझे इतना ही कहना है। ना मैं तुम्हें हिंदू बनाना चाहता हूं, ना मैं तुम्हें जैन बनाना चाहता हूं, ना मैं मुसलमान बनाना चाहता हूं। मैं पुलक सागर तो एक भारत के लिए सपना देखना चाहता हूं कि मेरी सभाओं में आकर के कोई भी जैन मत बनना, कोई जरूरत नहीं है जैन बनने की। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा, मैं तुम्हें जैन बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। और जो अच्छा मैन बन जाता है वो दुनिया में हकीकत जैन हुआ। जैन कौन? जो अच्छा मैन है। और जो अच्छा मैन नहीं है वह जैन होकर भी जैन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं जैन नहीं मैन बनाने आया हूं। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्रांतियां हो रही हैं देश में मान्यवर, पूरा देश खुशहाल है, सबके चेहरों पर आनंद है। 70 साल में जो इस देश में नहीं हुआ मोदी जी ने वह करके दिखा दिया। 70 साल जिन्होंने राज्य किया, 60-60 साल जिन्होंने देश की हुकूमत को रखा, क्या किया उन्होंने? मान्यवर, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखना। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं। लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है जो राष्ट्रहित का चिंतन करेगा, वही इस देश पर राज्य करेगा, उसी के लिए यह देश है। मान्यवर, हमारा तो यही चलता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी, अपनी काहे की पार्टी? कोई पार्टी नहीं अपने पास। तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूं। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर बिठाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। और जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू के मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लालटेन। प्रवचन में कितने लेट हो गए, शरद पवार की घड़ी। अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देश में हुआ है 70 साल की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा, अखंड भारत। अभी कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था, बुरी निगाहें उस पर डलती थी। हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर हमें। वो पड़ोसी चिल्ला रहा पागल हो गया है, बौखला गया होगा वो। मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल है, तुमको दे दो, ऐसे कोई दिया जा सकता है? कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है, कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुल करके उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत माँ का सपूत जिसने भारत माँ की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो, सब गुजराती भाई, ध्यान रखना। मान्यवर ध्यान रखिए, इस राजनीति के कोई चाणक्य गुरु हैं तो अमित शाह हैं, ध्यान रखना। चाणक्य ने क्या किया था? आसुरी शक्तियों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए। मान्यवर, वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज उन सपूतों ने वो किया है, मेरी भारत माँ की मांग में, जो बरसों से कोई नहीं कर पाया उसकी मांग में। अरे
अपनी माँ की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में, सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग नहीं बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ये देशद्रोह की भाषा है जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं, वह भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कहकर के बुलाएगा, एक लोह पुरुष कहकर के उन्हें याद करेगा। ये जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। बड़े कमेंट्स हुए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कुछ चिल्लाए इन अच्छे दिनों से तो बुरे ही दिन अच्छे थे। 5 साल, अरे बोली इतना समय 5 साल मोदी जी ने क्या किया। अरे मेरे भाई 70 साल में जो गंदगी तुमने फैलाई है उसे बटोरने में 7 साल तो लगेंगे, एक आदमी को उसे साफ करने में 7 साल तो लगेंगे। और उन्होंने वह करके दिखा दिया। आज हमारे देश का जो 15 अगस्त आएगा ना, इस बार तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा, बड़े शान के साथ, गर्व के साथ। ध्यान रखें, हमारे ही देश में रहकर हमारी ही जड़ें काटने वाले लोग आज बौखला रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं मोदी जी को अपने वाणी से विशेष आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं, जिसने देश हित में काम किया है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। एक बात याद रखना, इस देश का कल्याण वो ही कर सकते जिनकी बीबी नहीं है। समझ में आ रहा? नहीं नहीं, एक आध को छोड़ दो, समझ में आ रहा? ना उन्हें बहू मिली ना बहू मत मिला, उनको छोड़ो, उनका कोई मतलब नहीं है। एक बार राहुल गांधी ने अपनी मम्मी से पूछा, मुझे शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे बहू क्यों नहीं मिलती है। मालूम है, दिग्विजय सिंह ने कहा, तेरी मम्मी की वजह से। बोले क्यों? बोले जहां जहां जाती बड़ी बड़ी सभाओं में बोलती है मुझे बहू मत दो। समझ में आया क्या, मुझे बहू तो नहीं दो तो रहोगे कुंवारे। ध्यान रखना मान्यवर, गर्व से मस्तक ऊंचा उठा है, कश्मीर इस पर चर्चा मैं 15 अगस्त को करूंगा, आज विषय मेरा दूसरा। लेकिन इतना बड़ा काम हो और संत अपनी दुआएं ना दें तो वो धर्म संत नहीं हुआ करता है। बहुत बड़ा फैसला लिया है, नारियों का उद्धार किया, 3 तलाक का बिल पास किया है। जो नारी भोग की वस्तु बनी थी उसे उन्हें आदर्श बना करके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। अभी अभी देखना आगे आगे और क्या होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अब जमाना बदल गया है, युग बदल गया है, सोच बदल लीजिए, जीवन को बदल लीजिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ध्यान रखना, हमें ही बदलना पड़ेगा। और ये बदलने की बात है, ये बदलने का उपक्रम समाज से नहीं होगा, राष्ट्र से नहीं होगा, हमसे होगा। एक एक व्यक्ति राष्ट्र हुआ करता है, और एक एक व्यक्ति यदि सुधरेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व का निर्माण हुआ करता है। परिवर्तन अपने घरों से आना चाहिए। 21वीं सदी है ये, ध्यान रखना। जहां जगह मिले आ जाओ, हाउसफुल हो गया यहां, साइड में जहां भी मिले इस साइड आ जाओ, बैठने की थोड़ी वॉलंटियर व्यवस्था करें। अशोक जी, पंडाल फटेहाल, ध्यान विचार करिए। तुम्हें कह रहा था कि घर से व्यवस्थाएं सुधारिए, घर से जीवन सुधारिए, अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का प्रयास करिए। 1 घंटे की पूजा पाठ से जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहू ने कहा कि महाराज, हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं
लिमिट क्रॉस हो रही है। हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, यह बातें बोली जाती हैं महाराज। और जब यही बातें हमारी ननन जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो यही माँ उसे समझाती है कि बेटा ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से दबना नहीं, झुकना नहीं। जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें वो मेरी ननंद को सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। ये दोहरे मापदंड क्यों है हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूं एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई, मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? बोले बोले सुखी तो हूं महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोली जो बहू आई है ना, तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी, अब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है, बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मम्मा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले ऐसे कंवर साहब मिले हैं, ऐसे कंवर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही कहता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड। बहू को कहती है किस्सों के समय पे नहीं उठती, और दामाद से कहती दामाद हीरा है, बेटी की जुबान पे बात नहीं आती, और कमर साफ पूरा कर दिया करते, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं। तर गई महाराज बेटियों की तरफ से तो मैं, ध्यान रखना तू तर नहीं गई, तू मर गई, ध्यान रखना। विचार ये स्थिति हमारे घरों की, बहू के लिए उसी चीज पर पाबंदी और बेटी के लिए उसी चीज की शिक्षा, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा, मैं ससुर से और सासुओं से निवेदन कर रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। एक जानते हो, एक महिला मंदिर आई, अम्मा जी रस्ते में मिली, नमोस्तु महाराज, प्रणाम प्रणाम। उनका अम्मा जी बड़ी खुश दिख रही है, बोले बहुत खुश हूं महाराज। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुखी है? सुखी तो क्यों नहीं रहेंगे, जब मैंने उनकी शादी की थी ना, तो महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मेरा भी दिमाग ऐसा चला, मैंने कहा अपनी लड़कियों की शादी वहां करूंगी जिस घर में सास नहीं है, और सास नहीं है तो हुकूमत अपने हाथ में। इतनी मैंने कहा चारों मिल गए, ऐसे तुम्हारे चारों मिल गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से, सास नहीं है उस घर में। इतना राज करती है हमारी बेटियां, जो कहो वो होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी और कोई कमी जिंदगी में? बोले एक कमी है। मैंने कहा क्या? बोले जो हमारा लड़का है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले 35 साल का हो गया महाराज। तो मैंने कहा हो गई भाई? अरे बोले ऐसा नहीं, अभी तक कुंवारा बैठा है, शादी नहीं हो रही उसकी, बस एक तकलीफ है। मैंने कहा अम्मा जी लड़की देखने वाले नहीं आते क्या? बोले बहुत आते हैं, रिश्ते तो इतने आ रहे, लाइन लगी है, जो आता है लड़के को देखता है, घर जाता है कहता जवाब देंगे, आज तक जवाब ही लौट के नहीं आता है, हम इंतजार ही करते हैं, कुंडली भी मिल जाती है लेकिन शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अम्मा जी नहीं होगी? बोले क्यों, कोई शनि की दशा लगी है क्या? मैंने कहा दशा नहीं लगी, दशा बैठी है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा तूने तीनों बेटियों के लिए संकल्प लिया था ना कि जिस घर में सास ना हो वहां दूंगी, तो और बेटी वाले भी तो हैं। मैंने कहा जब तक तू रहेगी लड़का कुंवारा रहेगा, ध्यान रखना, और जिस दिन तू दुनिया से चली जाएगी उस दिन लड़के के फेरे लग जाएंगे। दोहरी नीतियां मत चलो मेरे भाई, ध्यान रखना, दोहरे मापदंड मत रखिए। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 दिन को आती है VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बहू 24 घंटे साथ रहती है, दोयम दर्जा मिला करता है।
क्या बात है कि एक सास दस दस साल की हो गई बहू, शादी हुए आज भी उसे बहू ही समझती है, ध्यान रखना। आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाई, आज तक उसे बहू का ही दर्जा दिया जाता है, आज तक वो पराया जीवन ही जीती है। मान्यवर आपके घर में नहीं है, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं अच्छा घर हो, लेकिन कहानी उन घरों की है जहां बहुएं प्रताड़ित की जाती हैं, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहू ही सास को प्रताड़ित करती हो, सास भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये भी बहुओं को बहुत उलाहने दिया करती है। मान्यवर बहुएं ताली तो बजा दो, आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी, बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार बहुत परेशान होती है, आज बहुओं की स्थिति वह है घरों में। उस बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या क्या फर्क पड़ता है, एक बात बताओ। सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है, बेटी आके बनाती है बहू बनाती है? बहू बनाती है ना, रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना, बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है, बेटी तो चार दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है, ध्यान रखना। किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है, कन्या भले कह दिया जाए लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी, ध्यान रखना। कमर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटे की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है, ध्यान रखिए। और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है, ध्यान रखिए। बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी, ध्यान रखना। नानी में तो ना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। वो तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना,
भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। ध्यान रखना, बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है, कुछ नहीं होने वाला इससे, कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है। हर एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती है, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मानिए तकलीफ क्या हो जाती है, बहू लेने तुम ही जाती हो, शादी नहीं होती तो 10 जगह हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना। किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना, जो लड़की मेरे घर आ रही, देख उससे मेरी माँ की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है, सबसे ज्यादा तो सासू के साथ, गड़बड़ घर वहीं से होता है। क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय भाई परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी, सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे दो घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है, बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर। एक बात बताओ, तकलीफ केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है, स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ है, मम्मी मेरा खाना कहाँ है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा जब तक शादी नहीं होती। ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में, मम्मी बाजार चलना, मम्मी शॉपिंग करना, मम्मी। ध्यान रखना, हर जगह माँ के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह मां को तलाशेगा, तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां, पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है। ध्यान रखिए, और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है। ध्यान रखिए, ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं, कि पहले आते साथ बेटा मां को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर। ध्यान रखना, शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है, ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत। जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते हैं इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए, क्या स्थिति बनती है उस लड़के की, क्या करे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है थोड़ी पत्नी के प्रति। वह लड़की हमारे घर में आती है, वह लड़की का कौन है उस घर में, एक बात बताइए। जो बहू आई है तुम्हारे घर में, तुम्हारी तो बेटी भी है, तुम्हारा तो छोटा बेटा भी है, तुम्हारा तो बड़ा बेटा भी है, तुम्हारा तो पति भी है, सब कुछ तुम्हारा है, उसका कौन है इस घर में।
वह तो पहली बार आई है ना, वह तो नहीं जानती, वह किसी को नहीं समझती है। तुम अपने बच्चे का नेचर समझती हो, तुम अपनी लड़की का नेचर समझती हो, बहू की ट्यूनिंग तो किसी से नहीं मिलती है। अब एक बात बताइए, यदि वो बहू अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को अपने पति से शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? किससे अपनी बातें बताएगी? किससे अपने दिल की बातें बताएगी? वह पराए घर से आई है, उसे भी तो ट्यूनिंग मिलाने में वक्त लगता है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। आप अपने बच्चे से 25 साल में ट्यूनिंग मिला पाती हो, बहू से कहती 2 दिन में इस घर में एडजस्ट हो जाओ, वक्त लगता है, समय लगता है। वह किससे बोले? अपनी अच्छी बातें बुरी बातें ले दे के उससे पति से ही बोलना पड़ेगा, उसके सपोर्ट में कौन है? मान लो किसी को, किसके भरोसे आई है वह? एक पति के भरोसे आई है ना। तो एक बहू यदि पति से समय मांगती है, एक बहू अपनी भावनाएं यदि पति से शेयर करती है, तो सासुओं को दुख नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी पति के भरोसे ही जीने के लिए वहां पर आई है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा, लेकिन वो लड़की जो पराए घर से हमारे घर आई है, उसके हर एक्शन का वैल्यूएट किया जाता है। वह क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे खिला रही है। ज्यादा हंस रही है तो आफत है, नहीं हंसती है तो आफत है, रो देती है तो आफत है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, काम करे, तो सासू कहती डिस्टर्ब मत कर, लेट हो जाए, अभी तक सो रही है। ध्यान रखना कितनी निगरानी रखते हो एक बहू पर। ध्यान रखिए मान्यवर, थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है। ध्यान रखिए, समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है? उसके जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है। ध्यान रखिए मान्यवर, मां की पीड़ा ये होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया। बेटा क्या करे बेचारा, अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद अरे एक आध बार चला भी जाएगा? कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो। ध्यान रखिए मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान है। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। ध्यान, क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योरी चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक माँ को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। क्योंकि भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया तो नहीं मेरे भाई? और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है। ध्यान रखना, 25 साल में, 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने माँ से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रख, कमी तुम में होगी। ध्यान रखना, थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करें माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या? बोले बहू आ रही है ना? बोले हाँ। ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना तेरे की घर उसका बहू, तेरे पेट में क्या हो रहा है? ज्यादा सिर पे आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है,
बातें कोई और चलती रहती हैं। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां दो बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं? मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा बैठी थी। मैं जाके दर्शन कर रहा था, दो अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला पड़ा है, मंगला चरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पड़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं, पुराण कौन सा रखा? पदम पुराण पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ, अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में ही मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है, रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो कि बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले, अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाइए दहेज महेज। बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच, जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं दे दी? ध्यान रख मत फूको किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए, मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, ये आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा, पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई? धत्तेरे की क्या देखने जाते हो मंदिर में? मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई, किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल, मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंथरा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन कहता है कि मंथरा नहीं है, मोहल्ले में दो चार तो होती हैं, ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है, कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, सास को बड़ी तकलीफ होती है, बहू को कोई रिश्तेदार आकर पूछ ले और सास को ना पूछे तो लगता है मेरा राजपाट चला गया। केवल एक ही भय, सात भय बोले हैं भगवान महावीर ने, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सप्त भय से मुक्त हुआ करते हैं। और आज हमारे बुजुर्गों को हमारे बड़े लोगों को ना धन का भय है, ना यह लोक का भय है, ना परलोक का भय है, इनको यदि भय है तो बुढ़ापे का भय है। ध्यान रखिए, असुरक्षा का भय है। मान्यवर आज भी बहु उस घर को अपना नहीं समझ पाती है, बाहर वाली समझी जाती है। चार दिन को बेटी आ जाती है, देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी
बेटी गर्मी में पिहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों, भाभी है ना, तू तो चार दिन को आई आराम कर ले, तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले, भाभी है ना वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था, लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर भाभी बनाएगी, ध्यान रखना एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चार दिन को आई हो पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे? मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने मां बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा, भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। चार सब इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो, बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में, बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है, इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना चार दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए, सोचना है ससुराल नरक बना है, पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद, ध्यान रखिए मान्यवर मत, 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 मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाया पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में, मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है। ध्यान रखिए, लेकिन तुम आके मम्मी के कान में कुछ डालती हो, भाभी के कान में कुछ और डालती। महाभारत खड़ी कर, जिस घर में बेटियां का इंटरफेयर होता है ना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आपसे निवेदन है, समझदार हो जाइए। अरे बेटा इतने जल्दी पराया नहीं होता है, बेटे ने थोड़ा समय पत्नी को दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है। बेटे ने थोड़ा सा समय पत्नी को ज्यादा दे दिया तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है, ये मानसिकता हटाइए। समय भले भी देता हो, बेटा तो बेटा हुआ करता है ना मान्यवर। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, अरे कभी एक बार अपनी बहू को बाहें फैलाकर गले से लगाने का प्रयास किया करो, कभी बोला करो कि मेरी बेटी, जो साथ बेटी नहीं देती वो तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है, कभी तो उसे सीने से लगाया करो। बेटी को सीने से लगाते हो लेकिन बहू को सीने से नहीं लगाते हो मान्यवर। मैं जानता हूं एक सास को बरसी तप किए उसने, एक एक साल के उपवास किए, बहू मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी सासू आपके दर्शन करना चाहती है। श्वेतांबर समाज की थी,
मैंने कहा 4-5 बजे ले आना, दर्शन दे दूंगा। 80 साल की वह सास बहू लेकर के आई उसे। उसने कहा महाराज इन्हें आशीर्वाद दो, बरसी तप कर रही हैं, एक एक साल से उपास करे हुए हैं। मैंने देखा कि 80 साल की उम्र में इतने बड़ी तपस्या कर रही है। मैंने कहा मां तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूं, इस उम्र में भी तुम इतने उपास कर रही हो। जानते हो सास ने क्या कहा? महाराज धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, मेरी बहू को दीजिए। मैंने कहा उपास तुम कर रही हो, धन्यवाद उसे? बोले महाराज इतना प्यार और इतनी सेवा तो मेरी बेटी मेरी औलाद नहीं करती जो सेवा मेरी बहू किया करती है। धन्यवाद इसे दो महाराज, मैं उपास करके बैठती हूँ, ख्याल ये रखती है। मैंने कहा कि महाराज के दर्शन करना है, इसने सब काम छोड़ करके मुझे आपके चरणों में लाई है। बेटी से कहती हूं तो जवाब दे देती है, बहू ने नहीं दी है। बहू ने नजरें झुकाई, महाराज ये अम्मा जी हैं, ये तो बोलती हैं, ये मेरी मां से भी बढ़कर मुझे प्यार किया करती हैं। सास ने कहा कि नहीं महाराज आप इसे आशीर्वाद दो, और मैं तो ये कहती हूं मेरी तपस्या का पुण्य भी मेरी बहू को लगना चाहिए। मैंने कहा इतना प्रभावित क्यों हो बहू से? बोले महाराज ये बहू नहीं है, देवी है इस घर की। एक सास के मुंह से ऐसे शब्द निकले, सोचो बहू का जीवन धन्य हो जाया करता है, उसके जीवन में सुख शांति का भंडार हो जाया करता है। सास ने कहा कि महाराज मैंने संकल्प लिया कि बरसी तप का उपास करूंगी, और जब से मैंने 1 साल से व्रत कर रही हूं ये बहू पीहर नहीं गई, नहीं जाती। वो पीहर से खबर आती है, भाई लेने आता है, पिताजी लेने आते हैं। मैं कहती हूं बेटा चली जा पीहर माँ बाप से मिलने, वो कहती है मम्मी आज आपका उपवास है मैं कैसे जा सकती हूँ। और जब दूसरे दिन पारणा करती हूँ ना तो कहती है जहां मेरी माँ पारणा कर रही है उसे छोड़ करके पीहर कैसे चली जाओ, ये जाती नहीं है, 1 साल से पीहर नहीं गई है, केवल इसलिए कि मैं बरसी तप करती हूँ। महाराज असली तप मेरा नहीं, असली तप तो इस बहू का हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारी बहू ने अपने साल भर में 2 साल में जब से घर आई है एक भी काम अच्छा नहीं किया है? किया होगा ना, कुछ तो अच्छा करती होगी ना कि कुछ अच्छा नहीं करती है? उसने जिम्मेदारी ली है, जब बच्चा जवान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी तो बहू उठाती है ना, उससे तो तुम्हें बचाती है ना, समय पे उसे नाश्ता देती है, खाना देती है, उसका ख्याल रखती है, उसके कपड़ों का ख्याल रखती है। इतना बोझ तो तुम्हारा हल्का किया है ना उसने, एक गलती कर दे 1000 बातें सुनती है। कभी अच्छा करे तो पीठ थपथपाया करो सासुओ, तुम्हारी भरकम स्वर्ग बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। अरे बोल दिया करो मेरी बेटी तू कितना ख्याल रखती है इस घर का। मान्यवर हमारी जुबान कितनी लड़खड़ाती है बहू की प्रशंसा करने में, कितनी कंजूस हो जाया करती है। अरे इसको थोड़ा सा सांत्वना दो, प्रोत्साहन दो, बहू को आगे बढ़ाओ। हाँ यदि कोई बहू एक गलती करे तो 10 गालियां पड़ती हैं उसको, कभी अच्छा काम करे तो धन्यवाद नहीं देती हो। कभी पानी मंगाया कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर आ, और बहू ने ला करके दे दिया तो बोला करो बेटा धन्यवाद, ध्यान रखिए तूने मुझे पानी पिलाया है। मान्यवर बहुत बदल गई है दुनिया, बहू को देख करके माताएं अपने बेटों पर शक करने लगती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा वातावरण घर का मत बनाइए। मान्यवर आपसे एक ही निवेदन करूंगा, लड़कों से भी निवेदन करूंगा, घर में 4 लोग होंगे कहां सुनी होगी, तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है घर को स्वर्ग बनाने में, तुम्हें मां की बातें भी सुनना है और पत्नी की बातें भी सुनना है। एक आदमी को मैं जानता हूं टिफिन लेकर के अस्पताल जा रहा था, रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहा है? बोले टिफिन लेकर अस्पताल जा रहा हूं।
मालूम है उस दोस्त ने कहा, क्यों क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, रोज खाना लेकर मुझे जाना पड़ता है। बोले यार तू क्यों जाता है खाना लेकर? बोले क्यों, जब वो स्वस्थ थी तो रोज मुझे खाना देती थी, आज अस्वस्थ है तो मेरा भी फर्ज है कि उसे ले जाकर के खाना देना चाहिए। कब तक बीमार है? बोले उसकी याददाश्त चली गई है। उस दोस्त ने कहा, पागल है क्या? जब वो तुझे पहचानती नहीं है, जब उसकी याददाश्त ही चली गई है, तो तू टिफिन लेकर क्यों जाता है? किराए का टिफिन भेज दिया कर, वो कौन सा तुझे पहचानती है, कौन सा तुझे जानती है? ऐसे दोस्त मिलेंगे भड़काने वाले, घरों को तोड़ने वाले। जानते उस लड़के ने क्या कहा? तू सही कह रहा है कि उसकी याददाश्त नहीं है, लेकिन एक बात बता दे मेरे दोस्त, याददाश्त उसकी खोई है। याददाश्त मेरी तो नहीं खोई है ना, मेरी तो मेमोरी है ना, मेरी तो याददाश्त है ना। उसने खोई, उसकी मजबूरी है, लेकिन मेरी याददाश्त तो मजबूत है, मेरी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई है ना। तो बोले क्या मतलब? बोले मेरी मेमोरी नहीं जा सकती है, क्योंकि जब मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था और जब उसे फोन गया कि तेरे पति की तबीयत खराब है, उसने आओ देखा बताओ, उसने स्कूटी उठाई और मेरे लिए भोजन लेकर के भागी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो आई तो मेरे लिए थी ना, टिफिन लेकर तो मेरे लिए आई थी ना, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मेमोरी चली गई। अरे जब पत्नी मेरे लिए टिफिन लेकर के भाग सकती है, तो एक पति का भी फर्ज है कि उसके लिए वह भोजन लेकर के जाए। उसने आज जो हालत हुई है वह मेरी वजह से हुई है, उसकी याददाश्त में उसने मुझे भुला दिया हो, लेकिन मैं मरते दम तक अपने बीवी के इस काम को नहीं भुला सकता हूं। ध्यान रखिए, फर्ज है आपका। दिन भर पिसती है वह भी घर के काम करती है, वह भी तनाव टेंशन, क्यों बहुत बड़ी कोई सयानी लड़की तो आती नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की बेटी, उसके भी अपने ख्वाहिश हैं, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी अपना कोई जीवन है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सुबह से उठती है, सारे काम करती है। नारी तेरा जीवन क्या है? ऐसी जिंदगी हो जाती इस नारी की, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी क्या करे वो, माँ की नहीं सुने सास की तो वो चिल्लाती है, पति की नहीं सुने तो पति चिल्लाता है, ससुर को समय पे ना दे तो वो चिल्लाता है, और तो बच्चों का टिफिन ना लगाए तो बच्चे चिल्लाते हैं। ध्यान रखिए, यदि जॉब करती है तो ऑफिस में लेट हो जाए तो वॉस चिल्लाता है। ध्यान रखना, सिवा झिड़कियों के उसे मिलता क्या है? ध्यान रखिए, सोचना है आपको। जिसका काम नहीं करे वही नाराज हो जाता है, जिसको पूछना भूल जाए वही मुंह बना लिया करता है। पूरी जिंदगी एक औरत घर को व्यवस्थित करने में ही पूरी जिंदगी खपा दिया करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितने की वो हकदार हुआ करती है। ध्यान रखिए, कितना ख्याल रखे वो सबका। और तो और बिचारी महाराज आ जाए तो उनकी व्यवस्था में लग जाती है, टिफिन बनाती है, रखती है, घर को एडजस्टमेंट करती है, महाराज के चौके में जाती है, धर्म करती है, हर काम, कौन सा काम नहीं करती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू करती क्या है दिन भर घर में? पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं करती। बोले क्या करती है? कमाता मैं हूँ, पैसा मैं लाता हूँ, तू क्या करती है दिन भर? उसने कहा ठीक है, सूरत की रही होगी। उसने कल बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। ऑफिस से लौटा पति, बिस्तर वैसे ही पड़े हैं, खाने के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, झाड़ू वैसे ही पड़ी है, कचरा वैसे ही पड़ा है, कपड़े धुले ही नहीं है। पति आया, ये क्या बना दिया मेरे घर को नरक, ये सब सामान यहाँ वहां पड़ा है। उसने कहा, आपने कहा था ना मैं क्या करती हूँ, अब पता पड़ा कि मैं क्या करती हूँ। ध्यान रखना, सोचना है आपको, जिस दिन पत्नी पीहर चली जाए ना, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, 8 बजे सो के उठोगे, दूध वाला घंटी बजाएगा, मूड खराब हो जाएगा। दूध गर्म करने गैस पे रखोगे, ब्रश करने जाओगे, दूध उफन जाएगा। रोटी बनाने बैठोगे, चंदा मामा बनाओगे, भारत का नक्शा बन जाएगा। ध्यान रखना,
कच्ची पक्की खाओगे पता पड़ेगा कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, ये पिसती है तुम्हारे लिए। अरे ये तो वो नारी है जो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती है। जिस दिन पति बाहर चला जाए, जिस दिन बच्चे बाहर चला जाए और उससे पूछे कि बहन क्या बना रही है, बोले क्या बनाना, पति यहाँ है नहीं, बच्चे बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, अचार रोटी खाती है और दिन गुजार दिया करती है। वह तो भोजन भी तुम्हारे लिए बनाती है, सब कुछ तुम्हारे लिए करती है। नहीं मेरे भाई, नारी का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, उसके किए का उसे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये अम्माओं में सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है कि चलो बहू से कुछ हो गया, अनजान है, बेटी है, हो गया, अब उसका बखान पूरे मोहल्ले से कर देती है। मेरी बहू ऐसी, उसने ऐसा किया, फिर फोन लगा देगी अपनी बहन को, फिर भाई को फोन लगा देगी, ऐसी बहू मिली, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आपसे मेरा निवेदन है, दुनिया भर में बकने से हो क्या, कोई हल नहीं होने वाला, गड़बड़ी हो गई है। माताओं से निवेदन है कि एक बार बहू बेटे परिवार बैठकर जो भी कहना है अपने घर की चार दीवारी की अंदर कहिए। यदि बहू से कहोगी तो समस्या का हल हो सकता है, पड़ोसी कोई हल नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वो तो तैयार ही बैठे हैं कि इस घर में कब आग लगे और कब हम इसमें पेट्रोल डालें कि पूरा घर बर्बाद हो जाए। किसी से कहने से मतलब क्या है, यहां वहां कहने से क्या मतलब है। अपनी बहू से कहो, गुस्सा होगी, झुंझलाएगी, उसकी परवाह मत करो, कुछ बात बोलोगी कुछ तो उसकी समझ में आएगी। पड़ोसी तो मिर्च मसाला लगा करके बताएंगे, वो तो तैयार ही है कि इस घर में, इस मकान में, इस आंगन में एक दीवार और खड़ी हो जाना। ये पड़ोसी केवल मजाक बनाते, जिनके आगे तुम आंसू बहाती हो, जिनके आगे तुम रोती हो, मेरा निवेदन है रोने का मन करे ना तो चंदा प्रभु के सामने अकेले में जाके रो लेना मेरे भाई, और वो भी ना मिले तो दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन दुनिया वालों के सामने आंसू मत बहाना, ये तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाते हैं। ध्यान रखिए, ये बाहर से तो तुम्हें संवेदना दिखाते हैं, भीतर भीतर तो तालियां बजाते हैं कि आ गया मजाक, हो गया इनका घर बर्बाद। मत बोलिए, घर में चार लोग बैठकर फैसला कर सकते हैं आप। मान्यवर।